हेलो एवरीवन, किम्स ब्लॉग में आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आज के दिन को लेकर बहुत ही एक्साइटेड होंगे, जैसे कि मैं खुद हूँ। आज है 11 अगस्त। जैसे कि आज सबको पता होगा कि आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का भी ट्विस्ट चल रहा है कि कोई 12 को मना रहा है, कोई 11 को मना रहा है, बट वी डिसाइडेड कि हम चढ़ता हुआ त्यौहार करेंगे, उतरता हुआ नहीं। अभी लगभग हो रहा है 7 बजे का टाइम, तो और आज जाना है घर भी, मायके भी जाना है। और आज का वेदर, आज तो बस बड़ा ही ऑसम वेदर हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है कहीं लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाए। बड़ा ही प्यारा वेदर हो रहा है टुडे इज़ वेदर। बस अब गोपाल जी को उठा दिया है, उठा के बस 2 मिनट वो भी रेस्ट करेंगे उठने के बाद, और बस अब उनको मैं नहलाऊंगी और अच्छे से सजाऊंगी। उसके बाद मेरी दिनचर्या जो है, डेली रूटीन जो है, वो शुरू होता है मेरे लड्डू के नहाने के बाद में, लड्डू को सजाने के बाद में। दीदी एंड फैमिली का ही वेट हो रहा था, वो लोग भी आ गए। मीनवाइल आई वॉज गेटिंग रेडी। मैं तो रेडी हो रही थी, हस्बैंड ने ही वीडियो बनाया पूरा। और ये बुआ भतीजे का मिलाप। थोड़ा सा पीछे की तरफ होके बैठो इधर देखो, कंसंट्रेट करो ये वाला तो चला ही देते। एक और करो, चलाया था जी, बंद कर दिया जी। जो तो आज के उसमें आ रहे हैं ना फूफा ना।
बैठते वक्त मैंने कैमरा की सेटिंग्स को देखा ही नहीं, जिसमें से मैं ही गायब हो गई और दोनों बहन भाई दिख रहे थे। और जब पूरी वीडियो बन गई उसके बाद मैंने चेक करा, अरे यार हम तो दिख ही नहीं रहे थे इसमें, ये क्या हो गया। दीदी राधा कृष्ण वाली राखी लेकर आई थी, वो डिस्कस कर रही थी कि राधा कृष्ण का मुंह मेरी साइड होगा कि तुम्हारी साइड होगा, देन वी डिसाइड कि नहीं आप ही की साइड होगा, वरना तो पीछा फिर जाएगा उनका इस तरह से। तो और मेरी राखी हमेशा की तरह बिल्कुल स्पेशल और डिफरेंट वाली आती है, एज़ यू कैन सी। देखो वसूली भाई, पूरी वसूली लेने के बाद नहीं, दोनों का है, बिना लड़के के बिना राखी बंधेगी ऐसे कहाँ से वहाँ रह जाता है। हाँ दोनों ऐसे बैठे रह जाते हैं अकेले, और क्या, दोनों का ही होता है। चल अकेला चल अकेला चल कहने में ये चल अकेला ना चले जाता अकेला। जीजू की कोई सिस्टर नहीं है तो उन्होंने अपनी बेटी से ही राखी बंधवाई। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ा नहीं एक्चुअली ज़्यादा लेट हो गई है वायरल होने के लिए, बट क्या करें, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी और उस वजह से थोड़ा टाइम नहीं मिला, और थोड़ा हिम्मत सी भी नहीं हुई कि वीडियो को एडिट किया जाए और थोड़ा सा बैठा जाए, सो सॉरी फॉर दैट। कॉम्बो फैशन घूम घूम के वापस आ रहा है। मैं तो कभी ले भी नहीं पाती ये सोच के रह जाती कि पहनती हूँ नहीं, लेके क्या करूंगी, पहनो। अरे पहने उतारना मतलब अभी नहीं उतारे। प्रदीप और प्रियंका खाली रहेंगे ना, इनका कुछ है ना, प्रियंका का कुछ है, वैसे चाहे कुछ भी ले जब माथे से लगाते हैं कौन इसको, माथे से लगाओ जय करो। ये तो कुंज की है,
रेड शर्ट, ये मैचिंग मैचिंग हो गया तो अब हम पहुंच चुके हैं मायके। अभी हस्बैंड गए हैं कुछ स्वीट्स और चॉकलेट्स वगैरह लाने के लिए। आजकल हमें ही ड्राइवर सीट पे बिठा दिया जाता है क्योंकि हमारी ड्राइविंग ट्रेनिंग चल रही है ताकि कुंज को हम खुद से पिक एंड ड्रॉप कर सकूं मैं अपने आप। लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। मेरा भाई भी भूखा बैठा होगा और मैं भी भूखी हूँ, बिकॉज हम दोनों खाना नहीं खाते हैं। जब तक राखी या दौज ना हो जाए, तब तक टीका ना हो जाए, तब तक हम दोनों खाना नहीं खाते हैं। व्रत रख के हम लोग अपना वो जो रस्में होती हैं उनको पूरा करते हैं। आज एक्चुअली राखी का जो कहते हैं शुभ मुहूर्त था वो 10:38 के बाद से शुरू हुआ था, तो वो सब होते होते थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि हमें भी अपनी रस्में करवानी थी। मेरी नंद से भी मैंने टीका कराया है, वो हमेशा करती हैं। तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, मुहूर्त के अकॉर्डिंग जो टाइम हो गया है उसमें तो नहीं कह सकते कि देर हो गई, बट हाँ अगर क्लॉक वाइज चलें कि हाँ भाई सुबह से अब तक 2 बज गए हैं तो लगता है कि यार बड़ा देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, अब से पहले पहुंच जाना चाहिए था। घर पहुंचते ही सबसे पहले मेरी बुआ मुझे मिली, पापा के पास बैठी थी और ये भाई वेट कर रहा था, भाभी वेट कर रही थी और बेटू तो जाते ही फ़ोन में घुस गया नानी के, बिकॉज हम इसको फ़ोन देते नहीं है, नानी हाउस जाके ये काबू में रहता नहीं है। तो मैंने भी जाके फटाफट टीका करा, बिकॉज वो भी लेट हो रहा था, भूखा बैठा था कब का और परेशान हो रहा था, बहन तू कब आएगी। जाके फटाफट बैठी भी नहीं, पहले जाके टीका करा दोनों का, दोनों को राखी बांधी। मीनवाइल बीच में नलायक कुछ ना कुछ कमेंट्री भी कर ही जा रहा था बार बार, 150 रुपया देगा। नलायक कुछ ना कुछ बोले ही जा रहा था। कुंज आप वीडियो के सामने हो, कुंज ने अपनी हैंडमेड राखी बनाई थी अपने मामू, अपने टीम मेंबर, अपने पार्टनर के लिए और अपनी मामी के लिए। मामी को वो नॉटी गर्ल बुलाता है और मामू को टीम मेंबर बुलाता है। कुछ बदलाव करो, नाचो, कुछ चेंजेस करो। रिकॉर्ड हो रहा सारा। शिवम 150 रुपया देगा। अब समय था सबको बाय बोलने का, तो मम्मी भी गोपाल जी को विदा दे रही थी, विदा कर रही थी उनको भी। और बस आज के दिन का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।